आज बना रहे हैं अपन मटर की पूड़ी। थोड़े से मटर ले रही हूँ मैं, करीब एक कटोरी मटर लिए हैं, और ये 4 से 5 कली लहसुन की लेंगे, और थोड़ी सी अदरक ले रहे हैं, उसको छील लियो, थोड़े से बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं जिससे ये मुंह में नहीं आए बड़े बड़े पीस। थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ, और ये एक हरी मिर्च डाल रहे हैं। इसको मिक्सी में अपन घुमा लेते हैं, थोड़ा सा एकदम कचकचा बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा खड़ा खड़ा करेंगे, चलाते हैं इसको अपन। ये मटर अपन ने ऐसे पीस लिए, थोड़े से मोटे मोटे हैं, एकदम बारीक नहीं किए हैं। बस अब इसमें अपन मसाले मिला के आटा मिलाते हैं। ये मटर अपन निकाल लेते हैं, मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया है, मटर के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे अभी। ये मटर अपन ने निकाल लिए हैं, एक कटोरी मटर थे ये देखो। अब इसमें आटा जितना आएगा वो मिला लेंगे, देखते हुए अब मसाले डालती हूँ मैं। अब इसमें अपन बेसिक मसाले डाल लेते हैं अपन, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आटा भी मैंने थोड़ा सा साइड में कर रखा है, एक कटोरी आटा लिया है एक कटोरी मटर के साथ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च अपन ने ऑलरेडी डाल रखी है इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अपन डाल रहे हैं ऑयल एक छोटी चम्मच। इसको पहले मिक्स करके देख लेते हैं अपन, कम ज्यादा लगेगा तो आटा मिलाना पड़ेगा। ऐसे एक कटोरी मटर में मैंने एक कटोरी नाप के आटा लिया था, और फिर भी अगर थोड़ा सा वो लगेगा तो मिला लेंगे, पर सही रहा छटाई पूड़ी का आटा अपना। ये पूड़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं आटे को एक साथ कर लेती हूँ, ये अपना आटा लग के तैयार है, एक छोटी कटोरी का ही बनाया है मेरे को, क्योंकि नाश्ते में बनाना था। इसको 10 मिनट के लिए गलने रख देते हैं। इसके साथ में मैं मटर की पूड़ी के साथ में आलू की सब्जी भी बना रही हूँ साइड में, थोड़ी सी स्पेशल अलग तरह की। ये अपन थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, बहुत सिंपल प्लेन सब्जी बना रही हूँ, और ये 2 मीडियम आलू लिए हैं, इसको काट लेती हूँ मैं जब तक ये बघार आएगा। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तेल इधर गर्म हो इधर बघार आए जब तक आलू काट लेते हैं। ये अपना इधर बघार आ गया है, थोड़ी सी राई डाल रही हूँ, और ये जीरा, वो सिंपल सब्जी बना रही हूँ मटर की पूड़ी के साथ में। और ये अपने आलू अपने दोनों कट गए हैं, ये इसमें डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक, इसको भिजने देते हैं अपन, मिक्स कर लेते हैं फटाफट। अब इसको ढक देते हैं, और थोड़ी सी कम आंच पे इसको सिझने देते हैं जब तक अपन मटर की पूड़ी का अपना तेल आ गया है। मेरे किचन में धूप बहुत आती है इसलिए थोड़ी सी दिखने में दिक्कत होगी वीडियो में। ये अपना आटा अच्छे से फूल गया है, और अपन गर्मा गर्म पूड़ियां तल लेते हैं इसकी। ये
तेल अच्छा गर्म हो गया कढ़ाई में रख दिया था तो इसके छोटे छोटे से अपन गोले बना लेते हैं। ये पूरी टिफिन में रखना बहुत टेस्टी बनती है तो आज टिफिन में मैं यही रख रही हूँ। इसके एक साथ अपन जैसे गोले बना लेते हैं। थोड़ा सा आयल लगा के बेलना पड़ेगा। थोड़े से दाने वाले हैं तो थोड़ा सा इजी नहीं है, ध्यान से बनाना है। मेरा आटा थोड़ा सा लूज हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा टाइट भी कर लेती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए। आंच तेज कर देते हैं, थोड़ी सी कम थी। डाल रही हूं मैं आटा, अच्छा टाइट होगा तो अच्छी बनेगी। एकदम कचौरी वाला फ्लेवर आने वाला है। इधर अपन अपने आलू की सब्जी भी देख लेते हैं। इसको अपन फ्राई करते हैं। ये देखो अच्छी बढ़िया, आटा थोड़ा सा टाइट किया मैंने, लूज हो गया था, ये फूलने लग गई है अच्छी बढ़िया। निकाल लेते हैं, एकदम बढ़िया बन के तैयार हो रही है। इस तरीके से अपन दूसरी पूड़िया भी तल लेते हैं। जरा होने आई ये अपनी आलू की सब्जी भी होने आई, इसमें अपन डाल रहे हैं इसके साथ की सब्जी है तो कुछ अलग है। तो ये अपनी जो कसूरी मेथी है ना ये ले रहे हैं, ये अच्छी मसल की कसूरी मेथी डाली, सिंपल है पर इसके साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्च टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर देते हैं फटाफट। तो अपनी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। इसको 2 मिनट और चला लेते हैं। ये बिल्कुल अपनी एकदम बढ़िया बन गई है। इसको अपन खाली कर लेते हैं। इसमें कसूरी मेथी बहुत टेस्टी लगेगी। इसको मैं खाली कर रही हूँ। लंच के लिए स्पेशल मटर की पूड़ी और आलू की सब्जी बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बहुत बढ़िया बनी है,